कैसे हो गया ये? नीतीश कुमार बोलता है कि शराब बंद हो गया है, मगर शराब नहीं बंद हुआ है। 10 लाख चाहिए। 10 लाख शराब तो बिहार में बंद है, लेकिन शराब कहाँ से हो जा रही है? इस पे प्रशासन को मजबूत होना होगा। बेचने वाला भी मर गया, उसका रामजी नाम था, बेचने वाला भी मर गया। नमस्कार, मेरा नाम विकास है, अभी के डिजिटल न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त छापरा के सारण में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जहरीली शराब से काफी लोगों की मृत्यु हुई है। एक मृत्यु के परिजनों के पास हम पहुंचे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह भीड़ लगे हुए है, और परिजन से हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लगातार इस तरह की मौत हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं डेड बॉडी है। कैसे हो गया ये? कैसे हुआ? कैसे हुआ? हम का जन्म तो ये बेरा नहीं है, घर से शराब पीने से हुआ। क्या कैसे हुआ? शराब पीने से हुआ। आप मन नहीं करती थी तब शराब पीने? अब तो मन करते थे, तब मानते तब तो लुका छिपा के पीते हैं। नीतीश कुमार बोलता है कि शराब बंद हो गया है, मगर शराब नहीं बंद हुआ है। शराब नहीं बंद हुआ है। जब नीतीश कुमार जब कैप्चर करते हैं कि शराब बंद हो जाएगा, तो लोग पब्लिक नहीं पीते था शराब, तब बंद नहीं हुआ, तब पब्लिक तो पिया वही करेगा शराब। अब दुख किसका हो गया? चार चार गो लड़की लेकर, नहीं खेत है नहीं बारी है, उपास बनिहारी करके लाता है। मजबूर आदमी तो यू खाना खाते है, नहीं तो उपास पड़ता है। कोई आगे पीछे देखनिहार इसका नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सरकार मदद करे इसको, यही ना हम चाहते हैं कि सरकार इसको मदद करे, हेल्प करे। कोई नहीं, इसका कोई सहारा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम क्या है? आसमिन। आपकी क्या है? पापा। आपके पापा है? हाँ। मन नहीं करती थी जब शराब पीने जाते? शराब बंद नहीं हुआ है तो कहाँ से मने मने करते थे लोग, तो शराब लुका कर बेचता था लोग, तो कैसे जाकर पी लेते थे। कौन शराब पीते थे? बेचता था, उधर बेचता था लोग। हम लोग थोड़े गाछी में, बेचने वाला भी तो मर गया। बेचने वाला भी मर गया, उसका रामजी नाम था। बेचने वाला भी मर गया? हाँ। क्या नाम था उसका? रामजी। राम, मर गया। बलबारी में उन्हें बेचाता है चिमनी और ही। अब हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे इंक्वायरी करने, किसका किसका नाम हम लोग जानते हैं कि बोलेंगे नाम बताएंगे। तो देख सकते हैं बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि दारू शराब बंद है, लेकिन यहाँ पे लोग जहरीली शराब बनाकर बेचते हैं, और लोगों की किस प्रकार हालत होती है यहाँ पे देख सकते हैं। किस प्रकार यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है जहरीली शराब पीने से, यहाँ पे देख सकते हैं परिजनों में किस तरह का दुखों का पहाड़ अभी टूट रहा है। और इस पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरा बिहार नशा मुक्त बिहार है, लेकिन कहाँ से यह शराब आ जाता है, थोड़ा हमको बताइएगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। यहाँ पे देख सकते हैं परिजन किस प्रकार यहाँ पे दुखों का पहाड़ टूटा है। अभी इनका भरण पोषण कौन करेगा, और क्या आप लोग क्या मांग कर रही हैं सरकार से, कैसा मांग कर रही हैं? पैसा कितना चाहिए, क्या किस लिए पैसा चाहिए आप लोग? लड़की के शादी करे खातिर, कर्जा का इतना सधावे खातिर। कितनी लड़की आपको? चार ठो। चार गो लड़का? लड़का एक ठो। 10 लाख चाहिए। 10 लाख? हाँ। आप लोग देख सकते हैं 10 लाख चाहिए। चार लड़की है इनके पास, चार बेटी है, और शादी के लिए इनको 10 लाख रुपए की मुआवजा इनको चाहिए। इनका तो पूरा गार्जियन यहाँ पे डेथ हो गया है। लेकिन आप लोग, और मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि आप लोग इनके मदद कीजिए। और इस तरह के शराब तो बिहार में बंद है, लेकिन शराब कहाँ से हो जा रही है, इस पे प्रशासन को मजबूत होना होगा। चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।